सियासत का रिवाज है घोषणाएं करो लोग विश्वास करेंगे, वोट बटोरो कुछ पूरी करते हैं और कुछ महज घोषणाएं ही करते हैं, पूरा नहीं करते। और अब देखना यह होगा दिलचस्प कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की है क्या वो पूरी होती है, या फिर अगर सत्ता में आए कांग्रेस के नेता तो बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम बयान सुनवाते हैं कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से कल क्या बयान दिया गया। जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपया महीना हमारी सरकार देगी। कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, चूंकि यहाँ 68 विधानसभा है, तो वहाँ स्टार्टअप के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की राशि के हिसाब से 680 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सके, स्टार्टअप्स किया जा सके, जिससे लोगों को, और वो ब्याज मुक्त रहेगा, जिससे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें। हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल में और अन्य प्रदेशों में भी, हम लोगों ने जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ भी बिजली में हाउस होल्ड को हम लोगों ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराया है। उसी प्रकार से हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तो आपने कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं सुनी है कि भूपेश बघेल जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए उनकी तरफ से क्या कहा गया, तो ये बड़ी घोषणा भूपेश बघेल ने की। अब सवाल कई खड़े होते हैं इन घोषणाओं के साथ कि फ्री बिजली का नारा देने वाली बीजेपी ने जब कुछ ऐसी ही घोषणा पहले की थी तो कांग्रेस ने पहले कम यूनिट को लेकर सवाल खड़े किए और फिर बाद में बीजेपी वालों ने ज्यादा यूनिट जब बात इसके बारे में कही तो फ्री में बिजली देने वाले बयान को लेकर तंज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कसा गया था। अलका लांबा लाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से कही गई थी और उनकी तरफ से कहा गया कि फ्री की जरूरत नहीं, आप रोजगार दीजिए, लोग बिल अपने आप दे देंगे। इस तरह की बातें होती रही जो कि अभी भी फिलहाल हो रही है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई ये फ्री की घोषणाओं को हिमाचल की जनता किस तौर पर देखती है। क्या बीजेपी के 160 यूनिट फ्री या कांग्रेस के 300 यूनिट फ्री पर जनता जाती है। कई घोषणाएं हैं लेकिन इंतजार अब चुनावों का, चुनाव के परिणामों का और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने का भी है कि किस तरह से घोषणाएं होती है और किस तरह से बड़ा फैसला यहां पर अब जनता लेने वाली है आने वाले समय में। तो फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई, साथ ही कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ओपीएस बहाली की बात भी उनकी तरफ से कही गई कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर हम ओपीएस लागू कर देंगे। स्टार्टअप योजना को लेकर भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो इस वक्त हमारे साथ तीन पार्टियों के प्रवक्ता फिलहाल जुड़े हुए हैं, पायल वैद्य प्रवक्ता बीजेपी, कौशल मुंगटा प्रवक्ता कांग्रेस और गौरव शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मैं सबसे पहले पायल वैद्य जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कल भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया, 5 बड़ी घोषणाएं की गई है, फ्री बिजली, महिलाओं को तोहफा और कई बड़ी बातें, कई बड़े वादे करके गए, आप किस तौर पर उनकी इस घोषणाओं को देखती हैं। धन्यवाद, मुझे आपने जनता टीवी में इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने कांग्रेस के मित्रों से कि आज से पहले क्यों ध्यान नहीं आया कि प्रदेश के जो राज्य हमारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है वहाँ की जनता की चिंता इनको पहले क्यों नहीं हुई। आज ये बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, जब भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बिजली की पहल करी तो उसके बाद लोगों से वोट किस तरह से लिए जा सकते हैं उसको करने के लिए इन्होंने उससे डबल का वादा कर दिया। और मैं हैरान हूँ इस बात पर
कि जिस तरह से इनके प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम ओपीएस लागू करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज तक ओपीएस लागू हो गई या एनपीएस लागू हो गई? अपने प्रदेश में भी इन्होंने इसी तरह के लोक लुभावन झूठे वादे करके लोगों को भड़काने का प्रयास किया था और इस नाम पे इन्होंने वोट लिए थे, लेकिन आज वहां पर भी इनको इतना समय हो गया, आज तक ये क्यों लागू नहीं कर पाए? और बात की जा रही है 1500 रुपए प्रति माह बहनों को देने की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 72 लाख की आबादी इस प्रदेश की है, तो 72 लाख की आबादी में 35 लाख महिलाएं भी होती हैं, तो कहाँ से वो इतना धन लाएंगे? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल इनसे है, आज से पहले क्यों इनको जनता की याद नहीं है? जवाब ले लेते हैं कौशल मुंगटा जी से। कौशल मुंगटा जी, आज से पहले याद क्यों नहीं आया, जब बीजेपी ने घोषणा की फिर आप लोग घोषणा कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, पायल बैठे जी जितने जिस तरीके से बोल रहे थे, आप सत्ता में है, आखिरी 2 महीने जब आपके रह गए, फिर आपने 160 यूनिट बिजली मुक्त करी है, वो भी इलेक्शन स्टंट के रूप में, पर मैं इसका फिर भी विरोध नहीं करता हूँ। और लेकिन सीधी बात यह, अगर कांग्रेस के जो हमने वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र में हमारे आएंगे, वो वादे सारे फुलफिल होने हैं, क्योंकि कांग्रेस जो बोलती है वो करती भी है। लेकिन अगर मैं भाजपा के घोषणा पत्र की बात करूंगा, जो 2017 के अंदर इनका था, उसके 90% वादे आज भी पूरे नहीं हुए हैं। हम कोई फ्री की राजनीति नहीं करते, हम कोई झूठ की राजनीति नहीं करते, हम वो चीज कह रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम कह रहे हैं। 680 करोड़ अगर हम स्टार्टअप युवाओं को जो है ना आपके बिना ब्याज का ऋण देने की बात कर रहे हैं, तो एक हमारी इकोनॉमिक स्टडी के आधार पर कर रहे हैं। अगर हम महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम किसी आधार से कर रहे हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन कौशल गुप्ता जी, जब बीजेपी ने वादा किया था फ्री बिजली का, तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया था फ्री को लेकर, अब आप करें तो सब ठीक है? मेरी बात सुनिए, हमने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए 160 यूनिट, हमने ये नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए का कर्जे में अकेला कर्जा, इतना कर्जा किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर 4-5 सालों में नहीं लिया, जितना जयराम ठाकुर जी ने लिया। हमने कहा, हमारा विरोध ये था कि भाई आप फ्री की राजनीति कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर इतना कर्जा डाल करके उससे बाज आइए, है ना। और इलेक्शन की अगर ये पहले साल करते मैं इसका स्वागत करता, 5वीं साल में जब 2 महीने रह के फिर इनको अकल आई और हिमाचल प्रदेश को कर्जे में इतना डुबा दिया इन्होंने, फिर हम उस तरीके से उसका विरोध कर रहे थे। आप हमारा तरीका देखिए। और रही बात पैसा कहाँ से आएगा, जो हमने घोषणाएं की है वो पायल बैठे जी और भाजपा के जो इनके जो ये चंदा मिलता है, वो पैसा नहीं लेने वाले हम लोग। हिमाचल प्रदेश का हमको किस प्रकार से पैसा का मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से आर्थिक की हिमाचल प्रदेश की रखनी है, वो हमको मालूम है। आप उस पर मत जाइए, आप सिर्फ जवाब दीजिए कि 5 सालों में आप लोग कहाँ सोए हुए थे। आपने जो इस पर जवाब दे लेंगे कि 5 सालों में बीजेपी ने क्या किया, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि गौरव शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा जी, आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था फ्री का नारा, अब बीजेपी भी आ गई और कांग्रेस पार्टी भी आ गई। देखिए, बौखलाहट और असमंजस का माहौल है। मैं सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आज सलूट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उलझ चुके हैं। जो हमने नीति और नियम अपनाए, जो हमने लोगों को सहूलियतें प्रदान की, आज केवल मात्र चुनावी वर्ष में दोनों ही बड़े दल हैं जिन्होंने लगभग 60-70 वर्ष राज किया है, आज ये उलझ गए हैं कि करें तो करें क्या। चुनाव के समय में बहुत बड़ी बात बहन जी ने मेरी कही भारतीय जनता पार्टी से, कि बघेल जी से अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। और दूसरी ओर मैं भारतीय जनता पार्टी में भी तंज कसना चाहूंगा कि केजरीवाल से ऐसा डर क्यों, जो बार बार ये कहते थे कि फ्री से रेवड़ियां बांटने से सारी चीजें हो रही हैं और हम जो आगे आने वाला जो समय है हमारा भविष्य बच्चों का खराब हो जाएगा। 125 यूनिट बिजली फ्री हिमाचल प्रदेश में देने की क्या नौबत आ गई? नौबत सिर्फ ये आई कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी अभी गुजरात के अंदर वहां पे उन्होंने घोषणा की है कि मैं ये सारी चीजें करूंगा, दिल्ली के अंदर वो लगभग 10 वर्षों से उस चीज को कर रहे हैं, पंजाब के अंदर नव नियुक्त सरकार जो आम आदमी पार्टी की आई है उन्होंने वहां बिजली यूनिट और ये सारी चीजें जो उन्होंने वादे की थे पूरे कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में 2-3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये कॉम्पिटिशन है कि अब इनकी जो सारी पॉलिसीज है उसको कैसे चुरा के सारी चीजों को लुभावने के लिए कैसे जनता की लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने 40 वर्ष 50 वर्ष जब हिंदुस्तान खड़ा हो रहा था, जब गरीबी हिंदुस्तान के अंदर थी, तब जिन लोगों ने नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी 17 साल से जो है काबिज है प्रदेश सरकारों में और 18 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां नहीं किया, तो हिमाचल प्रदेश की जनता को ये जवाब देने का समय का अभाव है। पायल बैठे जी, जवाब दीजिए। चुनावी जुमले हैं, चुनावी में कुछ नहीं है, जो कौशल एक एक करके अपनी बात आप सभी पूरी कीजिए। पहले सवाल पायल बैठे जी आपसे, आप जवाब दीजिए। जी मैं जवाब दे रही हूँ, सुनिए।
सबसे पहला सवाल मेरा कौशल मुंगटा जी से है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कल घोषणाएं की है, तो क्या आपने ये बताया है कि आप इतने इसका आप कैसे इसको धनोपार्जन आप करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा पंजाब में बनती जी पहले, फिर कौशल मुंगटा से पूछिएगा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल की नीतियों का आप लोग क्यों चुरा रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात। गौरव शर्मा जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ही आपकी आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, तो आपने जो झूठे वादे लोगों से किए थे, उसके बाद कैसे आप पलट गए इतने वादों से? आपने कैसे कहा कि हमारे पास तो इनकम देने के लिए भी धन की कमी है और हमारे को केंद्र सरकार से पैसा लेना पड़ेगा तभी हम ये कर पाएंगे? तो मेरा ये प्रश्न दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से है कि आप लोग जो कुछ कह रहे हैं उसकी आप लोगों ने उसके लिए सोचा है कि धन कहाँ से आएगा? क्या आपने वही कहनी चाहिए वो की, लेकिन जो हमने कहा वो किया और वो सबके सामने क्यों बकलाट है? आखिरकार इस बकलाट के कारण आप क्यों घोषणा कर रहे हो? आप क्यों अरविंद केजरीवाल को कॉपी करना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप मत कॉपी कीजिए, आप मत कहिए, आप अपनी चीज आप स्टैंड पे रहिए। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि आप जो बात कह रहे हैं और आप अपने इसके बारे में आपने ये बताया कि ये धन कहाँ से आएगा? वित्तीय प्रबंधन हमने कहा नहीं, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन सारे राज्यों का एक बहुत बड़ा जो है सोच का विषय है और एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन हमने तो जो कहा वो किया। हम जहां से भी दे रहे हो, जैसे मर्जी दे रहे हो, जिस मर्जी मैनेजमेंट से दे रहे हो, लेकिन हमने जो वादा किया वो पूरा किया है। और आज आप दोनों की ये बौखलाहट है कि इनके जो सारे एजेंडे उसको चुराने के बाद कैसे प्रलोभन हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया जाए, जिसका मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता। आखिरी सवाल मेरा कौशल मुंगटा जी आपसे है, कौशल मुंगटा जी आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि देखिए कर्ज प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, हजारों करोड़ का कर्ज आज प्रदेश पर है। फ्री की घोषणाएं से आपको नहीं लगता कि और ज्यादा कर्ज प्रदेश पर होगा, इससे घाटा होने वाला है हिमाचल की जनता को? मेरी बात सुनिए महिमा जी, मेरी बात सुनिए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो 300 यूनिट फ्री जाएगी हम उसकी व्यवस्था करेंगे? रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाएगा? हमारे प्रदेश की आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाएगा? हम इसकी व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस ने 70 सालों से देश को सींचा है, हमने बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, आज ये बाबू बन के यहाँ घूम रहे हैं। हमें जब हमने इतनी बड़ी बात बोली है, हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हमने जो ना ऐतिहासिक पार्टी 1885 के अंदर शिमला के अंदर बनी पार्टी है, हम इसकी व्यवस्था भी करेंगे। ये भाजपा वाले क्या बात करेंगे? 9 अगस्त से आज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इन्होंने तो आरएसएस में उसका विरोध किया था, आज झंडा लेकर घूम रहे हैं। और जो तो आम आदमी पार्टी है, इनकी तो अगर एक भी सीट मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगी, इनकी प्रवक्ता से ऑन रिकॉर्ड में आज बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, इनकी एक भी सीट मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली नहीं है। और रही बात रेवेन्यू जनरेट करेंगे और 300 यूनिट बिजली भी देंगे, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए भी देंगे। और दूसरी जो हमने बात की है इन फ्री की घोषणाओं के बीच हिमाचल की जनता किस तरफ जाती है, बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।